तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर चल रही है सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध। कैसे? तो ये एक तरफ है पाकिस्तान का कठमुल्ला गैंग और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की पुलिस। कठमुल्ला गैंग जो है वो पाकिस्तान की पुलिस को उठा उठा कर ले जा रहा है और दूसरी तरफ सड़कों पर क्या हाल कर रहा है वो यदि वो दिखाया तो यूट्यूब बुरा मान जाएगा, पिछली वीडियो ही डिमोनेटाइज कर दी थी। लेकिन इस वीडियो का एम ये दिखाना नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय क्या चल रहा है, इस वीडियो का एम ये दिखाना है कि जो चल रहा है इसको होने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, क्या ये सब पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बयान दिया है कि भाई पाकिस्तान की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो पाकिस्तान को किस प्रकार से रिलीजन का यूज़ करते हुए हर्ट कर रही हैं और जिस देश को हर्ट करने की वो कोशिश कर रही हैं यानी कि फ्रांस, उसका कुछ नहीं जा रहा। हम जिस मुल्क में जुर्म होता है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मैं आज आपको यकीन दिला दूं, मेरा अपनी कौम से वादा है, अपने लोगों से, कि कोई भी पाकिस्तान की तारीख में अगर इसके लिए दुनिया में कैंपेन चलाएगा और इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा किसी की मगरब के मुल्कों में भी लोगों को किसी को खौफ आएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, वो इसलिए कि इसके लिए कैंपेन की जरूरत है। हम अपने यहां मुल्क में मुजाहरे करके तोड़फोड़ करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगरब के अंदर जिधर ये गुस्ताखी होती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन जो कैंपेन मैं चलाऊंगा और इंशाल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, मुसलमान मुल्कों को साथ मिला के हेड्स ऑफ स्टेट जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में, उस तरह उस प्रेशर की वजह से ये जो बार बार हमें तकलीफ दी जाती है कि किसी मगरब मुल्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती की जाती है, हमें यहां तकलीफ होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने खत भी लिखा है सबको, उससे ये फर्क पड़ेगा। अब कितनी मजबूरी में ये दिया गया बयान लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं एमएमएस कांड वाले शेख राशिद जी, उन्होंने भी एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो फ्रांस की जो राजदूत हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में रखने वाले हैं, और दूसरी तरफ तहरीक लब्बीक वाले जिन्होंने ये पुलिस वालों की हत्या कर दी है ना, उन पर से हम सारे केस वापस ले लेंगे। कितनी गजब की बात है कि प्रधानमंत्री वहां का ये बोल रहा है कि भाई ये लब्बीक वाले जो हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और देश को नुकसान पहुंचाने वालों की जो बात है वो का इंटीरियर मिनिस्टर मानने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो मान रहे हैं इस बात को, इसको मानने से पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, ये देखने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि आखिर वो बात क्या है। तो जी पाकिस्तान के अंदर एक जमात है जिसका नाम है तहरीक लब्बीक। इस जमात ने पाकिस्तान के अंदर इस समय कोहराम मचाया हुआ है, पाकिस्तान की जो सड़कें हैं वो आग से भरी पड़ी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो पुलिस वाले हैं उनको ये उठा उठा कर ले जा रहे हैं, और तीसरी तरफ कुछ पुलिस वालों को तो मार भी दिया। इनफैक्ट इस बात को इस तरीके से कहना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इस समय सरकार है वो इस समय पाकिस्तान के लोगों से लड़ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन तहरीके लब्बीक वालों की छोटी छोटी डिमांड्स हैं। पहली डिमांड यह है कि भी फ्रांस का जो एंबेसडर है उसको पाकिस्तान से बाहर भगाओ, दूसरी डिमांड यह है कि फ्रांस से जो पाकिस्तान का एंबेसडर है उसको वापस बुलाओ, और तीसरी डिमांड यह है कि फ्रांस से सारे रिलेशंस खत्म कर दो। लेकिन क्यों? फ्रांस ने इनकी कौन सी कुतिया खोल दी है? तो जी पिछले साल फ्रांस के अंदर जो इस्लामिक प्रॉफिट का कार्टून कांड हुआ था उसके बारे में हम सभी जानते हैं, दूसरी तरफ किस प्रकार से इस्लामिक देशों ने फ्रांस का बॉयकॉट किया था वो भी हम सभी जानते हैं, लेकिन सारे जो इस्लामिक देश थे ना वो धीरे धीरे करके लाइन पर वापस आ गए सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तहरीक लब्बीक वालों ने नवंबर 2020 में पाकिस्तान की सरकार को कहा कि भाई फ्रांसीसी जो राजदूत है उसको बाहर फेंको। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, अप्रैल 2021 तक बाहर फेंकना था जो कि हुआ नहीं, और उस वजह से आज की डेट में पाकिस्तान की सड़कों पर आग लगी हुई है। आज की डेट में स्थिति यह है, हालात यह है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने फ्रांसीसी राजदूत को बाहर करने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखने का प्रॉमिस किया है, दूसरी तरफ फ्रांस ने अपने नागरिकों को, फ्रांसीसी कंपनीज को और 15 डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान
पाकिस्तान छोड़ने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है पाकिस्तान में इस समय फ्रांसीसियों के लिए। 15-15 डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से वापस बुला लेने का फ्रांस का जो डिसीजन है वो कितना बड़ा है इसका पता इसी बात से चलता है कि 2008 में पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तब भी फ्रांस ने इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन यदि हम मान लीजिए एक तरीके से यदि पाकिस्तान ये डिसीजन ले लेता है कि फ्रांसीसी राजदूत को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और पूर्णतः फ्रांस से एक दुश्मनी पाल ली जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? तो जी दिसंबर 2020 तक का यदि हम देखते हैं तो पाकिस्तान पर 44 ट्रिलियन रुपीज पाकिस्तानी रुपीज यानी कि 283 बिलियन USD यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डॉलर होता है उतना कर्जा है, और ये उसकी GDP का 98.7% यानी 99% अमाउंट है। ये कर्जा इधर उधर से लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ता है, जैसे सऊदी अरेबिया का कर्जा चुकाने के लिए चीन से कर्जा लेकर सऊदी अरेबिया का कर्जा उतारा। अब जब आपका जो मुल्क है वो कर्जों पर जी रहा है तो भाई कर्जा कहीं से लेना भी पड़ता है, और उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली देशों के हालातों को देखकर उनको रेट करती है यानी कि उनकी एक लिस्ट बनाती है। पाकिस्तान जो है वो इस संस्था की यानी FATF की लिस्टिंग में ग्रे लिस्ट में आता है। ग्रे लिस्ट में वो देश होते हैं जो टेरर फंड करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इन देशों को पैसा देना जोखिम भरा माना जाता है, इन्हें वार्निंग दी जाती है कि सुधर जाओ नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाओगे यानी कि कोई कर्जा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को भी ये वार्निंग्स मिल चुकी हैं। अब इस रेटिंग को सुधारने के लिए पाकिस्तान की सरकार जो है वो जमात-उद-दावा जो है उसको बैन भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्रे लिस्ट में ही रहती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तहरीक-ए-लबीक जिसको 3 दिन पहले खुद पाकिस्तान की सरकार ने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहकर बैन करने की बात की थी, उसको उसकी ही बात मानकर अब फ्रांसीसी जो राजदूत है उसको बाहर फेंकने की बातें पार्लियामेंट तक वो लेकर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे ब्लैक लिस्ट में नहीं चला जाएगा? दूसरी तरफ फ्रांसीसी राजदूत को भगाना यानी फ्रांस से आधिकारिक ऑफिशियल दुश्मनी ले लेना होगा, और फ्रांस IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में करीब 5% वोट रखता है, यानी कि IMF का 5th मोस्ट पावरफुल कंट्री फ्रांस है। दूसरी तरफ FATF जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है उसका हेडक्वार्टर ही फ्रांस के अंदर है। अब जरा सोचकर देखिए जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है IMF और FATF ये दुनिया भर के अंदर कर्जा लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इनके अंदर फ्रांस का क्या रोल है, और जो देश कर्जे पर ही जी रहे हैं उनके लिए तो फिर इस हिसाब से फ्रांस जो है वो भगवान के बराबर हो गया। तीसरी तरफ पाकिस्तान के पास 395 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनमें से 130 यानी कि करीब करीब 30% से ऊपर जो हैं वो फ्रांसीसी हैं। अब जो हथियार जो हैं वो मित्र देशों को बेचे जाते हैं, शत्रु देशों को नहीं, ये तो बात आप जानते ही होंगे। US वाले सीरिया को थोड़ी हथियार बेचेंगे, तो फ्रांस से दुश्मनी पालने का अर्थ क्या निकाल सकते हैं आप खुद सोचिए। इसके अलावा एक GSP नाम की चीज होती है यूरोप के अंदर यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इस सिस्टम के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर देश को एक प्रेफरेंस देते हो ट्रेड के लिए, और ये जो GSP है ये पाकिस्तान को मिला हुआ है। लेकिन दुख की बात ये है पाकिस्तान के लिए कि इस GSP के अंदर भी फ्रांस का जो वोट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वोट्स में से एक है, और फ्रांस के साथ दुश्मनी लेना यानी कि इस GSP का जो लाभ पाकिस्तान को मिल रहा है उससे भी हाथ धो लेने के बराबर होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी के पास ना 3 जो हैं वो माइन फाइंडिंग शिप्स हैं और 5 जो हैं वो अटैक सबमरीन्स हैं, और दुख की बात ये है कि सारी की सारी फ्रेंच हैं, तो फ्रांस से दुश्मनी तो बेटा बहुत महंगी पड़ेगी। दूसरी तरफ यदि फ्रांस के राजदूत को नहीं हटाए तो इमरान खान गुस्ताखे रसूल हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गुस्ताखे रसूल जैसे व्यक्ति को झेल सकती है तो वो आप खुद ही जानते होंगे। पाकिस्तान के अंदर रसूल के नाम पर इस समय आग लगी हुई है और आग जो है वो खुद की पॉपुलेशन लगा रही है, तो उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। बात यदि मान ली तो दर्द ऐसी जगह होगा कि ना उठा जाएगा ना बैठा जाएगा, एक शब्द में या फिर एक लाइन में कहूं तो भाई भिखारी के हाथ से कटोरा भी छीन लिया जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति में पाकिस्तान जाने वाला है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक स्थिति में शायद जाना ही पड़ेगा, तो वो आप जानते होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सी स्थिति में पाकिस्तान जाने वाला है। दूसरी तरफ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है उसके लिए, और ज्वाइन बटन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट के अंदर दिए गए हैं। आपका जो सपोर्ट है वो काफी वांछनीय है क्योंकि उसके थ्रू हमारा चैनल जो है वो जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद जय भारत।